गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो क्या आपका इमेज टाइम और रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक इन प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा रिस्ट वॉच का या वॉल क्लॉक का। मीन्स क्या है कि रिस्ट वॉच में अगर कुछ टाइम या वॉल क्लॉक में कुछ टाइम दिख रहा है, उसका इमेज जो है प्लेन मिरर में, उस इमेज में प्लेन मिरर में कितना टाइम दिखेगा। व्हेन ए वॉल क्लॉक इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, देन द क्लॉक इज द ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइम इज ऑब्जेक्ट टाइम। जो आपका वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है, क्या है वो ऑब्जेक्ट है और उसका टाइम क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। एंड द इमेज ऑफ द क्लॉक इज ऑब्जर्व इन ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। जो पर्सन प्लेन मिरर के इन फ्रंट में खड़ा है, सामने खड़ा है, उसमें जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा, बाय पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, देन टाइम सीन बाय हिम एज शोन बिलो। जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है उसमें कितना इमेज बनेगा वो इस तरह से है। अगर ऑब्जेक्ट टाइम ए है तो इमेज टाइम क्या हो, 12 मीन्स ए माइनस ए। ऑब्जेक्ट टाइम ए आवर बी मिनट है, जैसे ऑब्जेक्ट टाइम ए आवर है तो इमेज टाइम क्या हो, 12 माइनस ए एच आवर। अगर ऑब्जेक्ट टाइम ए एच आवर बी एम मिनट है तो आप उसको क्या करेंगे, इमेज टाइम के 11 आवर 60 मिनट में घटा देंगे, वही आपका इमेज टाइम होगा। जैसे यहाँ पे 12 आवर में घटा देंगे वही इमेज टाइम होगा। उधर अगर इमेज ऑब्जेक्ट टाइम आपका ए आवर बी मिनट है तो 11 आवर 60 सेकंड में घटा दो, वही आपका इमेज टाइम होगा। अगर ऑब्जेक्ट टाइम ए आवर बी मिनट सी सेकंड है तो उसमें क्या हो, 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकंड में सब्सट्रैक्ट कर दो ए आवर बी मिनट सी सेकंड को, वही आपका इमेज टाइम होगा। इसको फिर समझते हैं, थ्योरी तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो 9 AM हुआ, 9 बजे 9 AM, तो वॉच में क्या दिखेगा, मतलब इमेज में रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक में 9 AM बना तो ये ऑब्जेक्ट टाइम हो गया। ऑब्जेक्ट टाइम मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट टाइम मीन्स क्या, रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक में ये टाइम दिखा। इमेज टाइम 10 मिनट में इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम मीन्स क्या, मिरर में क्या टाइम दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, 12 - 9 कर देना है, मीन्स क्या उसमें दिखेगा, 3 AM दिखेगा, समझ गए। अगर आपका 9 AM दिख रहा है तो उसमें से क्या दिखना है, हम जो भी वॉच देख रहे हैं कौन सा वॉच देख रहे हैं आपको, जिसमें 12 आवर दिखता है, 24 आवर। जैसे आप रेलवे के घड़ी में देखोगे 24 आवर का होता है तो एक दिन वाला, लेकिन हम जो देखें 12 आवर वाला देखें तो उसमें इमेज टाइम देख रहे हैं। तो 9 AM अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक में, इमेज टाइम में क्या होगा, 12 - 9 3 AM होगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट टाइम में 8 PM AM है या PM जो भी है, 12 - 8 4 AM, समझ गए। अगर 3 PM है तो 12 - 3 9 PM, समझ गए, 9 बज रहे होंगे। AM PM तो आप बोल नहीं सकते, अगर 9 बज रहे हैं उसमें घड़ी में कितना है, 12 - 9 3, अगर 8 बज रहे हैं 8 बजे तो 12 - 8 इमेज में आपको 4 दिखेगा, अगर 3 बज रहे हैं तो 12 - 3 9 बज रहे होंगे, इसी तरह से दिखेगा, समझ गए। AM PM आप उसी तरह से, अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइम 10:05 है, 10:05 है, यही है इमेज टाइम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 12 की जगह क्या लिखना, 11 आवर 50 60 सेकेंड में, अब उसको घटा दो 10 - 0.5 इमेज टाइम जो होगा 55 वन,
यही आपका इमेज टाइम होगा। 10:05 बजे तो घड़ी में जो प्लेन मिरर की घड़ी में प्लेन मिरर में जो इमेज बने हो कितने दिखेगा आपको 1:55 या मतलब 12:05 ऐसा है। मीन्स 12:05 तो नहीं बोल सकते हैं, मीन्स 0005 ऐसा अगर लिखे मीन्स तो आपको क्या टाइम दिखेगा 11:60 - 00:05 मीन्स क्या 11:55 दिखेगा। उसी तरह से लास्ट अगर मान लो 3:05:45 इमेज टाइम क्या होगा, अब यहाँ पे घटाना कैसे 11:59:60 3:45 यहां से घट के कितना होगा 60 में से 45 15 54 और 8 आपको घड़ी में दिखेगा क्या 0.8 8:54:15 इसका मेन की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट टाइम इमेज टाइम को क्या करना है, इमेज टाइम बनाना क्या करना है 11:59:60 में घटा दो जो भी हो, ये आपका आवर का हो ए आवर बी मिनट और सी सेकेंड को इसमें घटा दो आपका कोई भी होगा आंसर क्या ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम है जो सब्सट्रैक्ट हो क्या आएगा, वो क्या आएगा इमेज टाइम। मान लो अगर आप इमेज टाइम ही है फिर भी घटा दो इमेज टाइम को, ये आपका इमेज टाइम है, आपको क्या करना घटा देना ऑब्जेक्ट टाइम से 11:59:60 में इमेज टाइम को घटा दो, अब जो आएगा ये क्या ऑब्जेक्ट टाइम होगा कुछ नहीं। की कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइम दिया हुआ या इमेज टाइम, अगर ऑब्जेक्ट टाइम दिया हुआ तो उसको 11:59:60 में घटाओ तो क्या बन जाएगा इमेज टाइम, अगर इमेज टाइम दिया हो तो उसको भी घटाओ तो अब क्या बन जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट था तो इमेज टाइम बन रहा था घटाने का, अब इमेज टाइम बना दिया हुआ तो क्या बन जाएगा घटाने के बाद ऑब्जेक्ट टाइम बन जाएगा, यही की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें पूछ सकते हैं, ये बेसिकली आसान क्वेश्चन है, नीट लेवल का पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है, या आपको जैसे एंट्रेंस डिप्लोमा लेवल या कोई भी लोकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, समझिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट टाइम दिया हुआ इमेज टाइम कैसे निकालना है, तो उसको 11:59:60 में, या इमेज टाइम दिया तो उसको भी 11:59:60 में घटा दो, वो आपका ऑब्जेक्ट टाइम बन जाएगा। किसी को घटाओगे जो जिसको भी 11:59:60 में घटाओगे आप वो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट टाइम है तो इमेज टाइम बन जाएगा, और इमेज टाइम है तो ऑब्जेक्ट टाइम बन जाएगा। आसान है, अगर आपको कोई भी डाउट हो जिस नंबर पे पूछ सकते 7361990990 या आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, दोनों नंबर है, या कमेंट वीडियो के कमेंट में जाकर आप बोल सकते हैं। थैंक यू।